ये हमारे सिलेक्ट चिकन के मैनेजर फजल भाई अंदर होल चिकन लेने गए, तो मैंने उनको फ्रिज में लॉक कर दिया, तो अभी देखते हैं कि ओके ये दो होल चिकन लेके आए हैं। ओके फजल भाई, ये आप इसको मशीन में लगाने लगे हैं? जी जी, ये मशीन में लगा रहा हूँ, ये होल चिकन को इसको बताता हूँ कैसे लगाते हैं स्टीमर में। ये देखिए, तो पहले स्टीमर में ठीक से अच्छे से खोल के इसको ओपन करके डाल देना ऐसे, इसको डोर लगा दो और ये टेम्परेचर सेट करता हूँ। ये टेम्परेचर पे 125 डिग्री पे और ये 32 मिनट्स जो है ना ये कुक होगा। ओके, ये 32 मिनट्स इस मशीन के अंदर ये चिकन कुक होगा, देन आप इसको ग्रिल करेंगे। ओके ओके ओके, चलें चलें गाइस, आपको आप लेके चलेंगे जब के चिकन रेडी होगा ग्रिल पे होगा। ओके फजल भाई, आप हमें स्पाइसी विंग्स का बताएंगे, किस तरह आप उनको बताते हैं, ए टू जेड बताएं। ये विंग्स होते हैं स्पाइसी विंग्स, आप कैसे लगाते हैं? ठीक है, लेकिन ये डबल दो बार उसको रेडिएशन किया जाता है, ये स्पाइसी ब्रेडिंग है। ओके, अभी जो देखे आप वो वाली नॉर्मल ब्रेडिंग, ठीक है, ठीक है, ये वाली जो है थोड़ी सी स्पाइसी। ओके, तो ये जो मटेरियल है आपने अलग अलग रखा हुआ है बर्गर के लिए अलग, और ठीक है, ओके ओके, तो बिल्कुल स्पाइसी नहीं खाते उनके लिए वो वाली है, और ये लिटिल बिट थोड़ी जो स्पाइसी खाते हैं उनके लिए ये। देखिए जी, ये एक बार ब्रेडिंग हो गई है, एक बार ठीक है। तो ये आप जो विंग्स हैं ये आप फ्राइड विंग्स की बता रहे हैं हमें? जी जी, ये दस मिनट में कुक हो जाते हैं, और अब इसके लिए टेम्परेचर रहेगा 310 डिग्री। ओके, फिर इसका ड्रॉप हो जाएगा आहिस्ते आहिस्ते टेम्परेचर, फिर लास्ट में उसका टेम्परेचर हो जाएगा 288। तो ये टेम्परेचर ऑटोमेटिकली मशीन सेट करती है? ऑटोमेटिक मशीन में
सेट करेगा तो बस आपको इसको मशीन में डालना है और स्टार्ट करना है। ओके ऑटोमेटिकली सेट कर देती है सब कुछ। ठीक ये अच्छे क्रिस्पी रहते हैं थोड़े से। ठीक है कितने आगे जब हॉट रहते हैं ना गर्म तो उसमें थोड़ा सा टेस्ट थोड़ा सा कम रहता है। ओके उससे टाइम देगा इसमें टेस्ट बढ़ते रहेंगे। ठीक एक 10 से 15 मिनट बाद बहुत टेस्टी हो जाएगी। ये भी काफी जल्दी बन जाती है बिल्कुल 10 मिनट के अंदर अंदर। ओके ये मशीन रेडी है ओके फजल भाई हमें ये बताएं कि जो आप फिलेट बर्गर आपके हैं दो मोस्ट फेमस फिलेट बर्गर तो आप उसके फिलेट को कैसे प्रिपेयर करते हैं काइंडली जरा ऑडियंस को बताएं। ये चिकन का फिलेट होता है तो हम इसे ऐसे बनाते हैं ये बिल्कुल माइल्ड होता है तो स्पाइसी जो नहीं खाना पसंद करते हैं वो लोग ये प्रेफर करते हैं ज़्यादातर वो लोग ये खाते हैं। ऐसे बनाने का तरीका देखिए बताता हूँ फिलेट को हम ओपन करते हैं ऐसे से उसको डबल ग्रेडिंग करते हैं और ये फिलेट काफ़ी जल्दी तैयार हो जाते हैं। ओके ये बिल्कुल आप समझ लें 5 मिनट में रेडी हो जाते हैं। ठीक है तो आप इसको किस में कुक करते हैं किसी ओवन में करते हैं या कैसे आप कुक करते हैं? स्पेशल मशीन आती है जो स्पेशल चिकन और फिलेट बर्गर वगैरह के लिए होती है। ओके देखिए हम इसको डबल रेडी कर रहे हैं